मैं रामदास सिंह, सहायक अध्यापक विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के आप लोगों के सामने मैं अध्याय 3 चैप्टर अणु तथा परमाणु में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं, अर्थात इसको दोहराने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोग इसको देखेंगे और समझेंगे। देखिए, मुझे पढ़ाना है या पढ़ा चुका हूँ, इसके दोहरा रहा हूँ। क्या पढ़ाना है? रासायनिक सूत्र बनाना। प्रश्न ऐसे इम्तहान में आएगा, परीक्षा में। देखो, निम्न दिए गए आयनों से सूत्र बनाओ तथा उस यौगिक का नाम भी लिखो, ऐसे प्रश्न आएगा। पर्चे में आपके ऐसे लिखा रहेगा, तो आपको सूत्र बनाना है। तो सूत्र कैसे बनाया जाता है, ये आप ध्यान देंगे। तो सूत्र बनाने का तरीका यह है, जैसे अगर प्रश्न बोला जाए सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखो, यही है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है। तो जिस यौगिक का सूत्र बनाना हो उसको पहले प्रतीक रूप में लिखते हैं। जैसे सोडियम का पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, प्रतीक लिखते हैं। तो प्रतीक हमने लिख दिया, देखो Na, सोडियम का Na होता है। क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन से है, यह हमने लिख दिया है। तो प्रतीक हमने लिख दिया, इसका भी प्रतीक, इसका माने धातु, धातु को बाई तरफ लिखा जाता है, धातु है, धातु को बाई तरफ लिखा जाता है और धातु को दाई तरफ। इसका मतलब धातु माने धन वित्तीय तत्व को बाई तरफ तथा ऋण वित्तीय तत्व को दाई तरफ लिखा जाता है। तो हमने दिया सोडियम क्लोराइड, प्रतीक लिखा या ने। अब इसकी नीचे संयुक्ता लिख देते हैं, इसकी संयुक्ता रटना होगा आपको। देखो, मैं बता दिया इसकी संयुक्ता एक, इसकी भी एक, ठीक। अब सूत्र बनाना है, क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस निशान लगा देते हैं। इसका मतलब एन ए एक, सी एल एक, सूत्र बन गया एन ए ए। एक नहीं लिखा जाता, एक ना लिखे तब भी एन एक ही है, इसलिए एक नहीं लिखा जाता, सूत्र बन गया। तो सोडियम क्लोराइड, तो आपने देख लिया किसी यौगिक का सूत्र कैसे बनता है। पहला काम क्या करेंगे, यौगिक में उपस्थित जो तत्व हैं उनके प्रतीक लिख देते हैं। दूसरी बात, उनके नीचे उनकी क्या लिख देते हैं, संयोजकता लिख देते हैं, मैंने लिख दिया संयोजकता। तीसरी बात, यदि आवश्यकता पड़े तो संयोजकता को सरल कर लेते हैं, आवश्यकता पड़ी तब। जैसे यहाँ दो है, यहाँ चार है, इसको काट सकते हो, दो एक के दो, इसी को कहते हैं संयोजकता को सरल कर लेते हैं। नंबर चार, संयोजकता की अदला बदली करके, संयोजकता की अदला बदली करके सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो, हमने सोडियम क्लोराइड के लिए Na प्रतीक लिखा, इधर Cl लिखा, संयोजकता लिख दिया एक एक, संयोजकता को सरल कर लेते हैं। एक एक कोई सरल करना, दो दो चार होता, दो दूनी चार हो जाता। अब अदला बदली कर लेते हैं, माने यह एक चला गया यहाँ और यह एक चला गया यहाँ, तो हमने लिख दिया Na Cl। तो तरीका ऐसे है, बताना है, आप देखेंगे। अब देखो, पर्चे में ऐसे लिखा है, यहाँ लिखा है Na, यहाँ लिखा Cl, इसकी संयोजकता एक है, इसकी भी संयोजकता एक है, फर्क यह है इसकी संयोजकता धन एक है, इसकी संयोजकता ऋण एक है। अब एक बात समझ लेंगे, यदि सूत्र बनाना है धनायन और ऋणायन, माने धन संयोजकता ऋण संयोजकता बराबर हो, बताओ यहाँ सोडियम संयोजकता कितनी है, एक, यहाँ Cl संयोजकता एक, इसकी भी एक, इसकी एक, तो सीधा आप यही Na Cl लिख दीजिए, सूत्र हो गया, नो टेंशन टेंशन नहीं है। अगर धन एक है, यहाँ ऋण भी एक है, एक एक अगर बराबर हो, सीधे लिखिए। और देखो, इसमें कहीं बराबर देखो, देखो हम देख रहे हैं, यहाँ यहाँ देखिएगा Al पर तीन वैलेंसी तथा नाइट्रोजन पर तीन वैलेंसी, बताओ धन आयन और ऋण आयन माने इनकी संख्या बराबर है, सीधा उत्तर क्या लिखें, ऊपर देखिए AlN, AlN लिख दिया। और भी देखेंगे कहीं बैलेंसी बराबर हो, देखेंगे यहाँ देखो Mg2+, यहाँ Mg की बैलेंसी दो है और ऑक्सीजन की बैलेंसी दो है, दोनों बैलेंसी बराबर हैं, फर्क क्या हो धन में या ऋण में। अगर बैलेंसी दोनों तरफ बराबर हो, माने धातु और अधातु की बैलेंसी बराबर हो, तो सीधा उत्तर ऐसे लिख दीजिए
बस यम जी ओ, क्या लिखेंगे यम जी ओ, इससे मतलब नहीं हो गया यम जी ओ। क्यों ऐसा लिख देते हैं, दो ए भी है, दो ए भी है, काट सकते हो दो एक के, फिर यम जी ए ओ एक हुआ, अंत में वही यम जी ओ आ गया। और यहाँ देंगे यन एच फोर, यह अमोनियम है तथा यह सी एल मारे, देखो यहाँ भी बैलेंसी बराबर है, इसकी भी बैलेंसी एक, इसकी भी बैलेंसी, जहाँ पर बैलेंसी बराबर हो सीधा ऐसे लिख दीजिए यन एच फोर सी एल लिख देंगे। और देखो यहाँ, देखो यहाँ बैलेंसी एक है, इसकी भी बैलेंसी एक है, माने यह धन है या ऋण है, अगर बैलेंसी बराबर हो इसका सीधा उत्तर, कुछ टेंशन नहीं है, सीधा ऐसे इसको नोट कर लीजिए कैसे एन ए एच सी यू थ्री। और देखेंगे यहाँ लिखा है, अब देखो यहाँ पर बैलेंसी, इसकी दो बैलेंसी है, इसकी एक बैलेंसी है, इसको हम सीधा नहीं ले सकते। अब सी ए की बैलेंसी कितनी, दो, ओ एच की बैलेंसी एक, ठीक। अब सूत्र आपको बनाना है तो क्या करेंगे, क्रॉस कर दो, ए यहाँ हो जाएगा और दो यहाँ हो जाएगा, क्या लिखेंगे, देखो हाथ देखा मेरा, सी ए एक ओ एच टू, क्या लिखेंगे, सी ए एक नहीं लिखा जाता, ओ एच टू, माने ऐसे ब्रैकेट बना के लिखो, सी ए ट्वाइस सूत्र हो गया। अब जो हमने यहाँ धन दो लिखा है या ऋण लिखा है, तो इस दो धन है दो हमने यहाँ लिख दिया, एक ऋण है इसको हमने यहाँ लिख दिया, अब चाह तो इसको मिटा दो, अब और समझ में आ जाएगा, सी ए एक ओ एच टू, मानी सी ए ओ एच ट्वाइस बोला जाता है ऐसे। यहाँ देखेंगे यहाँ इसकी बैलेंसी, बच्चे बोलो कितनी है, ऊपर देखिए एक, और कार्बोनेट की बैलेंसी कितनी है, दो। अब सूत्र बनाना है, क्रॉस करो घुड़े के साथ जैसे ऐसे ऐसे, तो हो गया एन ए टू सी ओ थ्री एक, क्या लिखें एन ए टू, फिर देखो देखो यहाँ एन ए टू, एन ए टू हमेशा देखो एन ए टू एंड सी ओ थ्री एक, सी ओ थ्री एक नहीं लिखा जाता, सूत्र बन गया ऐसे। यहाँ देखेंगे ए एल की बैलेंसी तीन है, इसकी बैलेंसी देखो तीन है, इसकी बैलेंसी दो है, ठीक। तो इसको भी ऐसे कर क्रॉस कर दो, इसका मतलब ए एल टू ओ थ्री, ए एल टू ओ थ्री। तो यहाँ क्योंकि यहाँ तीन धन था हमने तीन लिख दिया, यहाँ दो ऋण था हमने दो लिख दिया, अब इसको ऐसे बने रहे इससे मतलब नहीं रह गया, यह समझ जाए मतलब नहीं है ए एल टू ओ थ्री, क्यों, और अगर लिखा भी है ठीक है लिखे रहने दीजिए, इसको शामिल मत कीजिए, बस ए एल टू ओ थ्री लिख दीजिए ऐसे। इधर आएंगे देखो इसकी बैलेंस एक, एन ए की बैलेंस एक, कैसे यहाँ लिखा है, यह बैलेंस आपको रखना होगा, यह बैलेंसी सोडियम की बैलेंसी आपको रखना होगा, क्योंकि मैंने वीडियो में एक चार्ट प्रस्तुत किया है, आप देखे होंगे उस चार्ट में सबकी बैलेंसी दी गई है, किसकी बैलेंसी धन एक, किसकी बैलेंसी धन दो, किसकी बैलेंसी धन तीन, और ऋण में भी दिया गया है किसकी बैलेंसी ऋण एक, किसी की बैलेंसी ऋण दो, किसी की ऋण तीन है। तो इसमें एक धन लिखा जाता है, एक ऋण लिखा जाता है बैलेंसिंग। आप यहाँ देंगे एन ए की बैलेंसी, बोलो बच्चों कितना है, इसी पहचानिए एक, एक लिख दिया। फास्फेट की बैलेंस कितनी हो गई, तीन। अब सूत्र क्या बनाएं, देखो एन ए थ्री, ऐसे देखो एन ए थ्री हमने लिख दिया, एन ए थ्री एंड पी ओ फोर एक, एक नहीं लिखा जाता, सूत्र हो गया नहीं बन गया। तो हमने इतना सवाल बताया, अब इसका नाम भी बताना है। हाँ एक बात और समझ लेंगे, मान लिया हम क्रॉस नहीं करते, ज़रा यहाँ देखो, हाँ जैसे हम देखो यान यान ए, देखो ऐसे कर दें गुड़े निशान न बनाएं, यान ए एक, देखो या यान ने इसके साथ कहो और सी एल के साथ कह दो यान ए एक सी एल एक, वही हुआ। यहाँ देखो सी एल ट्वाइस, इस पर दो बैलेंसी थी, इस पर एक बैलेंसी थी, आप मान लिया हमने क्रॉस मिटा दिया ऐसे समझो, कोई फर्क नहीं है। हाँ देखेंगे, हाँ सी ए बैलेंसी दो, देखो ऐसे कहो सी ए एक, फिर देखो सी ए एक ओ एच टू हो गया। इसमें देखो चलो या क्रॉस से मतलब ना समझ, यहाँ देखो यान ए कितना बोलो, यान ए एक कहेंगे यान ए दो, यान ए टू और सी ओ थ्री एक, देखो ये लिखा गया ऐसे। यहाँ ए एल की बैलेंसी तीन है, हम क्यों यहाँ
रहने दीजिए, तीन दो लिखने से कोई फायदा नहीं। Al की बैलेंस ही 3 और O की बैलेंस ही 2, हम क्यों नहीं ऐसे कहते Al 2, क्या कहें Al 2 O 3 लिखा गया है। देखो ऐसे यहाँ बैलेंस ही यहाँ बराबर है, क्योंकि तीन यहाँ है, तीन यहाँ, तीन तीन कट जाता है, एक एक हो जाता है, देखो तो वही हो गया Al 1 यानी एक, वही Al n। या हमने बताया है अगर बैलेंस ही बराबर हो, धन जितना धन हो उतने अगर ऋण बैलेंस ही हो तो सीधा उत्तर से Al n ऐसे जोड़ कर लिख दो। यहाँ देखो हमने बता दिया, अब तो सूत्र बनाना तो आप सीख गए, बैलेंस ही रखना है, अब नाम कैसे लिखोगे या देंगे। एन ए किसका सिंबल है, सोडियम और क्लोरीन, Cl संकेत सिंबल होता है क्लोरीन, इसमें आइड जोड़ दो, आइड अगर जोड़ देंगे क्लोरीन धन आइड क्लोराइड, यहाँ नाम लिख देंगे क्लोराइड। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ Ca मीन्स कैल्शियम, हमने नाम लिख दिया कैल्शियम। OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल है इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड, नाम हो गया। इसके बाद Na मीन्स सोडियम, यह पिछले चार मैंने बताया है। देखो यहाँ C है, C माने कार्बन, पहचानते हो, इसे छोड़ो, सी माने कार्बन, अब इसी में एट जोड़ दो, कार्बन में एट जोड़ दो कार्बोनेट, कार्बन है ही है, सी माने कार्बन, इसी में एट जोड़ दो सोडियम कार्बोनेट, नाम हो गया। यह तरीका है लिखने का। ऐसे यहाँ देखे इसका नाम Al2, Al माने अल्मोनियम, ये ऑक्साइड है, यह तो साफ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्यों इसका नाम ऑक्साइड, ओ माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस आइड बराबर ऑक्साइड, नाम लिख दिया। ऐसे Al(n) एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम या एन है या नाइट्राइड बोला जाता है, नाइट्राइड ट नहीं ड, नाइट्राइड। यहाँ देखो Na का नाम सोडियम और इसको कहते हैं फास्फेट, पी से फास्फोरस, फास्फोरस में एट जोड़ दो फास्फोरस धन एट फास्फेट, नाम हो गया फास्फेट। ये नाम लिखना हमने आपको समझा दिया। MgO मैग्नीशियम, इधर ओ है ऑक्सीजन, दो बैलेंस ये है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है, आइड जोड़ दो ऑक्साइड। इधर NH4 प्लस है, इसको कहते हैं अमोनियम, अमोनियम और Cl मीन्स क्लोराइड। इसके बाद इसका नाम देखो, यह है सोडियम, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या कहो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या कहो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमने आपको सूत्र बना दिया। अगर बैलेंसी मालूम हो, सूत्र आसानी से बन सकता है, तो बैलेंसी आपको रटना होगा। अब प्रश्न एक आपको हो गया, प्रश्न दो पढ़ाने जा रहे हैं, इसको देखेंगे, पढ़ाया गया वीडियो पढ़ाया गया, क्यों दोहरा रहे हैं आप इसको देखेंगे। देखो प्रश्न है, निम्नलिखित का मोलर द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान था, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। सबका द्रव्य, देखो यहाँ द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान, सब में द्रव्यमान है, सबका द्रव्यमान एक ही ढंग से लगाया जाता है। आप देखेंगे इसका, देखो इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, ये ZnO का, तो ये हम ZnO ये सवाल लगा रहे हैं। अब यहाँ आपको रटना होगा कुछ, जैसे H बराबर 1, C बराबर 12, N बराबर 14, O बराबर 16, ZN बराबर 65 या फी बराबर 56, ऐसे बहुत से हैं, CU बराबर 63.5 एंड CL बराबर 35.5, NA बराबर 23। पिछले वीडियो में हमने यह सब दिखाया है, यह आपको रटना होगा। यह परमाणु द्रव्यमान है, क्या है, परमाणु द्रव्यमान, ठीक। अब हम ZnO, देखो जिंक ऑक्साइड में दो तत्व है, एक जस्ता है एक ऑक्सीजन है,
तो जस्ते का परमाणु द्रव्यमान देखो, परमाणु द्रव्यमान जस्ते का कहाँ लिखा गया देख लेंगे, ये देखो 65 लिखा है, यज्ञन का हमने लिख दिया यहाँ 65, बहुत अच्छा, जस्ते का 65 हो गया, इसमें ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन का देखो कितना है, यहाँ देखो ऑक्सीजन ये 16 देखो यहाँ 16 हमने लिख दिया यहाँ 16 जोड़ दीजिए बस सवाल हो गया, 6 5 11 6 7 1 8 6 5 11 6 7 1 8 81 तो यह हम पढ़ा रहे हैं, इसमें मोलर द्रव्यमान हम पढ़ा रहे हैं, यह मोलर द्रव्यमान भाई, मोलर द्रव्यमान ठीक, जब मोल हाँ तो मोलर द्रव्यमान हम आपको पढ़ा रहे थे, तो मोलर देखो ZN यहाँ लिखा गया है, ZN का ZNO का मोलर द्रव्यमान या H2O का मोलर द्रव्यमान सबका बताना है, देख लो ZNO का मोलर द्रव्यमान पढ़ाने जा रहे हैं, तो ZN माने जस्ते का परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दोनों जोड़ लो ये हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, तो जस्ते का देखो ZN बराबर 65 लिखा हमने 65 लिख दिया, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान देखो 16 लिखा हमने दोनों 16, अब जस्ते का परमाणु द्रव्यमान या ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा ZnO जिंक ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान, ध्यान देंगे मोलर द्रव्यमान जब निकालेंगे यहाँ जी लिखेंगे, जी मीन्स ग्राम होता है, यही ध्यान देंगे और कुछ नहीं है, और देखें H2O हाँ बच्चों देख इसी हिसाब से आप बताएंगे H2O H का द्रव्यमान देख लो और O का द्रव्यमान देख लो दोनों जोड़ दो उत्तर हो गया, H का द्रव्यमान देखो यहाँ है, ये देखो यहाँ है कितना लिखें बोलो 1, क्योंकि H दो बार है H2 एक गुणे दो कर दो धन O का देखो यहाँ 16 है हमने लिख दिया 16 तो 1 2 के 2 धन 16 बराबर 18 जी लिखेंगे या नहीं भूलेंगे, तीसरा सवाल देंगे CO2 बच्चों देंगे सी का मोलर सी का आणविक द्रव्यमान क्या है, इसमें नहीं लिखा हमने लिख दिया यहाँ C 12 होता है तो यहाँ लिख दो 12 तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, अब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लिखना है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान देखो यहाँ पर है 16 तो यहाँ देखो O2 दो बार है इसलिए 16 × 2 दो बार कर देंगे ऐसे ब्रैकेट में कर दो 12 × 32 बराबर 44 G ये आंसर हो गया, ऐसे ही आप C2H4 का देखेंगे C2H4 का मोलर द्रव्यमान सी का मान है सी का परमाणु द्रव्यमान कितना है देख लीजिए यहाँ सब लिखा हुआ है सी का हमने नहीं लिखा है लिख दे रहे हैं सी बराबर 12 होता है तो सी का यह रटना होगा सी 12 है अब सी दो ही बार है इसका मतलब सी मार 12 हो गया 12 × 2 हो गया 24 हो जाएगा धन एच 4 बार है इसका मतलब एच बराबर 1 देखो यहाँ है एच बराबर 1 × 4 इसको ब्रेकअप कर लो इसको भी ब्रेकअप कर लो 12 × 2 = 24 धन 4 × 1 = 4 24 × 4 = 28 इस तरह से इस सवाल आप लगाएंगे और देखो यन एच 3 है ध्यान देंगे यन का देख लो यन बराबर 14 देखो यहाँ है ये 14 धन एच बराबर देखो यहाँ 1 है यहाँ 1 × 3 हो जाएगा 3 × 1 = 3 हो गया धन 14 बराबर 17 G भूलेंगे नहीं जी जरूर लिखेंगे नहीं सवाल गलत माना जाएगा ये भी जी है ये भी आंसर हो गया अच्छा आप देखेंगे यन एच थ्री यन बराबर 14 ऊपर देखो यन बराबर 14 लिख हाँ तो हमने आपको मोलर द्रव्यमान बताया और उसमें जो आंसर आया उसमें ग्राम शब्द लगा जी लगा दिया जी भूलेंगे नहीं अब देखो यह आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तरीका वही है देखो जैसे हमने लिखा नंबर 1 HCl का क्या ज्ञात करना है आणविक द्रव्यमान तो देखेंगे माने HCl मतलब H का परमाणु द्रव्यमान और Cl का परमाणु द्रव्यमान जितना हो जोड़ देंगे तो पूरे का द्रव्यमान हो जाएगा तो H का देखो 1 है हमने सीधा 1 लिख दिया अब धन कर दो जोड़ना है Cl का देख लो Cl का होता है 35.5 देखो यहाँ है
हमने दिया 35.5, जोड़ दीजिए 36.5। अब यहाँ ध्यान देना है, अगर मोलर द्रव्यमान लगाते तब तो यहाँ जी लिखते, अगर आणविक द्रव्यमान लिखा यहाँ यू लिख दो, बस कोई फर्क नहीं है, तरीका सब वही है पुराना। ऐसे दूसरा देखेंगे NaCl, NaCl देखे Na बराबर 23 होता है, यहाँ कहीं लिखा गया होगा, देख देख यहाँ Na 23, हमने लिख दिया 23 धन Cl का मान, देखो Cl बराबर 35.5, ये जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देते हैं तो हो जाता है 58.5। अब यही समझना है, हम इसको जी लिखें कि यू लिखें, अगर मोलर द्रव्यमान है तो जी न भूलें, जी जरूर लिखो, और यह जो है आणविक द्रव्यमान पूछे तो यू लिख दो, यू माने यूनिट यूनिफाइड। थर्ड Fe2O3, देखो Fe का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, Fe का 56 होता है, देखो यहाँ है 56, देखो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं Fe2 बराबर 56 × 2, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 = 11, 111, इसका Fe2 हो गया इतने का, इतने का। अब O3 का, O बराबर 16, वहाँ देखो O बराबर 16 है, यहाँ 16 × 3 = 48, जोड़ दीजिए 8, 2, 10, 4, 1, 5, 1, 6, 160 यूनिट। ऐसे भी लगा सकते हैं इसको अलग अलग करके। दूसरी विधि क्या है, जो अलग अलग किए थे हम यहीं पर अलग करके लिख दे रहे हैं, Fe2O3 है, देखो Fe56 होता है, अभी देखा 56 × 2 धन 16 × 3, बात वही हुई, 56 × 2 = 12, 112 धन 48, जोड़ लीजिए, बात वही आई 48, 8, 2, 10, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 160, यहाँ क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, यह समझना है यू यूनिट। अब देखो CuSO4 × 5H2, इसको देखेंगे CuSO4 × 5H2O, इसके लिए Cu का देखो Cu का 63.5 लिखा गया होगा, यहाँ देखो यहाँ यहाँ हमने लिख दिया 63.5, ये कापर हो गया। अब सल्फर खोजना है, सल्फर का 32 होता है, देखो यस बराबर 32 हमने लिख भी दिया, तो यस का मान क्या होता है 32, कहने मतलब देखो यह ये हो गया, यह ये हो गया। अब धन O4, O माने 16 × 4, विघटन कर दो 16 × 64 हो जाएगा, इंटू लिखा, अब यहाँ धन लिखेंगे 5 लिख देंगे 5, क्योंकि H2O के 5 है, इसका मतलब 5 इसमें भी शामिल है, 5 इसमें भी शामिल है, तो ऐसे लिखेंगे 5 बाहर कर दो, बाकी H2 1 × 2, कैसे H बराबर 1 होता है, 1 × 2 = 2, धन O बराबर 16। अब यहाँ देखो 63.5 धन 32 धन 16 × 64 धन 16 × 2 = 18, 18 × 5 = 90, सबको जोड़ लीजिए उत्तर आ जाएगा, जोड़ना देखो 63.5 = 32 = 64 = 90, 0.5 × 3, 2 × 5 = 4 = 9, 9 × 6 = 15, 3 × 18 = 24, 249.5 यूनिट, ये आंसर आ गया। तो आपने देखा कि मोलर द्रव्यमान, शुद्ध द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान सबके हल करने का तरीका एक ही है, फर्क क्या है, मोलर द्रव्यमान लगाओ तो उसमें जी जोड़ दो, बाकी शुद्ध द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में जी नहीं लिखा जाता, यू लिखा जाता है। चलिए आप प्रश्न 3 या इसी में भाई प्रश्न 3 नहीं, हम बता रहे हैं आप सूत्र द्रव्यमान आ जाए, सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करो, क्वेश्चन हम दूसरा बदल दिया, या देखो इसका सूत्र द्रव्यमान क्या होगा, H बराबर 1 होता है, देखो 2 × 2 = 2 यू, ये सूत्र द्रव्यमान। दूसरा मान लिया हमने क्या दिया CaCl2 Ca बराबर कितना होता है 40, यहाँ नहीं लिखा, इसको याद कर रहे हैं, ये साड़ी पहले दिया गया है, Ca बराबर 40, हमने यहाँ पर Ca स्थान पर 40 लिख दिया, प्लस
Cl2, Cl का मान होता है 35.5, देखो तो 35.5 गुड़े दो Cl2 दो बार है 40 धन, इसका गुणा कर दो, गुणा मत इसको ऐसे कर दो तब लिख दो 71, जोड़ देंगे 111 यू, ये यू है यू। तो आपने देख लिया, हमने आपको सूत्र द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया। सबका तरीका एक ही है, केवल फर्क क्या है, मोलर द्रव्यमान अगर ज्ञात करो उस हल में जी लिख दो, बाकी सूत्र द्रव्यमान और उसमें यू लिख देंगे। तो हमने आपको ये सब जो सवाल बताया, कैसे सूत्र बनाया जाता है, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान तथा मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको हमने भलीभांति समझाया। अब आप घर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।